गुरुग्राम समेत हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर एक अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले। आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है और ना ही किसी को बताने की जरूरत है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टोक्यो ओलंपिक में देश का नाम रोशन करने वाले बजरंग पुनिया की। आपको बता दें कि टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इसी के साथ भारत की झोली में छठा पदक आया, जिसके बाद बजरंग पुनिया के सम्मान के लिए कई जगहों पर समारोह का आयोजन किया जा रहा है। तो वहीं गुरुग्राम के ब्लिस प्रीमियर में पहलवान बजरंग पुनिया को सम्मानित किया गया, जहां गुरुग्राम से सीनियर डिप्टी मेयर परमिला गजे कबलाना के पति पूर्व पार्षद गजे सिंह कबलाना ने पहलवान बजरंग पुनिया को फूलमाला पहना कर सम्मानित किया। साथ ही समारोह में भारी तादाद में लोग बजरंग पुनिया की झलक देखने के लिए पहुंचे। बजरंग पुनिया ना कि बल्कि हरियाणा, पूरे हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड की शान है। उसने गरीब किसान के घर पैदा होके इतनी मेहनत करके आज उन्होंने कॉमनवेल्थ गोल्ड, एशिया गोल्ड, ओलंपिक मेडल और अर्जुन अवार्डी, पद्मश्री अवार्डी और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्डी। तो उन्होंने एक माइलस्टोन स्थापित किया है। ये फंक्शन नए बच्चों को भी एक प्रेरणा स्रोत की काम करेगा। जो सम्मान समारोह है उसका तो सम्मान है ही है, क्योंकि वो तो देश की शान है। बाकी जो नए लड़के हैं वो खेलों के प्रति अपने 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 फील्ड में, चाहे कुश्ती हो, कबड्डी हो, चाहे क्रिकेट हो, जो भी गेम है अपने अपने गेम में वो करेंगे। और उसके अलावा मैं जो आज पैरालंपिक में हमारे बच्चों ने जो अच्छी मेहनत की है, हम उनका भी आगे एक सम्मान समारोह करेंगे और वो काफ़ी मेडल आए हैं। बेसिकली एक प्रेरणा स्रोत रहेगा ये कार्यक्रम। आपको बता दें कि टोक्यो ओलंपिक में बजरंग पुनिया ने भारत को कांस्य पदक दिलाया और बजरंग शुरू से ही दृढ़ इरादों के हैं। जो वो ठान लेते हैं उसको करके ही मानते हैं। वी न्यूज के लिए गुरुग्राम से संवाददाता आकाश खुराना की रिपोर्ट।